वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों पैरोल पर बाहर हैं। बाहर आने के बाद चौटाला लगातार लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बयानों में सीधे तौर पर सीएम खट्टर को निशाना बना रहे हैं। बयानबाजी की वजह से ओपी चौटाला अब फंस चुके हैं। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल रद्द करने की मांग की है। भाजपा विधि एवं विधायी विभाग और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने पुलिस महानिदेशक हरियाणा को लिखे गए पत्र में ये मांग की है कि उन्होंने कहा है कि चौटाला पैरोल पर आकर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। जोड़ो ने लिखा कि चौटाला नौकरियों में भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल की सजा काट रहे हैं। आजकल वह पैरोल पर आए हुए हैं। पिछले दिनों चौटाला ने सिरसा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था। बयान में उनकी जाति गोत्र की तुलना आवारा और नकारा पशुओं से की थी। उन्होंने ऐसा बयान केवल सिरसा में नहीं दिया बल्कि उन्होंने सोनीपत और कैथल में भी दिया। इससे साबित होता है कि ओम प्रकाश चौटाला जानबूझकर हरियाणा की जनता को उकसाकर समाज का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। मनोहर सरकार के स्वच्छ प्रशासन, सबका साथ सबका विकास एवं हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से प्रदेश में एक भाईचारे और आपसी प्रेम का एक वातावरण जो पूरे प्रदेश में बना है, चौटाला को ये पसंद ही नहीं है। जोड़ा ने चौटाला के खिलाफ समाज में परस्पर झगड़ा करवाने की कोशिश करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर उनके पैरोल को रद्द करने की मांग करते हुए उन्हें पुनः जेल भेजने की मांग की है।